एक्सप्रेशन को जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ ऐसा एक्स सब्स्टिट्यूट करिए कि ये थोड़ा छोटा आ जाए, ठीक है। तो देखिए आपके पास कुछ आइडेंटिटी स्ट्राइक करनी चाहिए, जो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये स्क्वायर रूट से पहले निजात पाने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए कैसे, अगर हम एक्स की वैल्यू क्या ऐसा प्लेस करें, क्या ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करें ताकि ये स्क्वायर रूट आपका हट जाए, ठीक है। ये आपका पहला हर्डल है। तो देखिए अगर यहाँ पे किसी तरह से हम लोग क्या करें, हम लोग जानते हैं कि 1 - sin² θ ये क्या हो जाता है, दैट बिकम कॉस थीटा। इसी तरह से अगर आपके पास 1 - cos² θ क्या हो जाता है, ये साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कैसे, 1 - sin² को आप क्या लिखोगे, अंडर रूट कॉस स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 1 - cos² अंडर रूट साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास ये स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कैसे अंडर रूट हटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ वन तो है नहीं, यहाँ वन नहीं है, तो एक्स को हम क्या प्लेस कर रहे हैं, एक्स को प्लेस कर रहे हैं हम ए साइन थीटा। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक्स को अगर ए साइन थीटा प्लेस करते हो तो साइन थीटा क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्स बाई ए। तो थीटा क्या हो गया, दैट कम्स आउट टू बी साइन इनवर्स एक्स बाई ए, से इक्वेशन नंबर वन। ये लास्ट में जरूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये निकाल के हमेशा रख लिया करिए। नाउ क्या करना है हमें, टेन इनवर्स एक्स की प्लेस पे रख दें हम, क्या रखना है एक्स की प्लेस पे, ए साइन थीटा। थीटा आपका डमी वेरिएबल है तो आंसर कभी भी थीटा में मत छोड़िएगा, क्योंकि कोई अल्फा लिख सकता है, कोई बीटा लिख सकता है, ठीक है। तो हमने रख दिया आपका, जहाँ भी आपका एक्स था वहाँ पे हमने क्या रख दिया, ए साइन थीटा। तो नीचे एक्स स्क्वायर था तो दोनों का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, इट कुड बी रिटेन एज ए टेन इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा एंड अपॉन, ये ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो अंडर रूट के अंदर ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, अंदर आ गया आपका 1 - sin² θ। और 1 - sin² θ क्या होता है, cos² θ। तो हम इसी स्टेप में हम मिटा के लिख ले रहे हैं, आप हो सके तो नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, दैट इज cos² θ, ठीक है। अब देखिए ए का भी स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है, दोनों इंटू में है, तो ये अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और साथ में ये स्क्वायर हट जाएंगे, तो अंडर रूट आपका रिमूव हो गया, ठीक है। ये भी आपका नेक्स्ट स्टेप में आएगा। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, जो बचा सिस्टम वो क्या है आपका, साइन अपॉन कॉस है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो दैट कुड बी टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, और टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो आंसर हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा डमी वेरिएबल है, किसी का अल्फा हो सकता है, किसी का बीटा हो सकता है, तो हमें थीटा क्या लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स ऑफ, दैट इज रिटेन एज ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो दैट इज योर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, ये सबसे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो गया, दैट इज योर आंसर।